हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि रेडीमेड कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कपड़े को हम क्या करेंगे, खोल लेंगे और उसे चार हिस्सों में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, एक फोल्ड हो गया, अब हम दूसरा फोल्ड करेंगे। अगर आपको इसी कुर्ती का स्टिचिंग का वीडियो देखना है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस तरह से हमारे चार फोल्ड हो गए हैं, एक दो, ये तीसरा और ये चौथा फोल्ड हो गया है। ये बंद वाली साइड है और ये हमारी खुली साइड है। किसी भी कुर्ती की कटिंग करने से पहले हम उसकी लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। तो यहाँ पे कुर्ती की जो लंबाई है, तैयार जो कुर्ती है हमारी, वो 38 इंच है। तो 38 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। और ये कुर्ती है, क्योंकि यहाँ पे हम तुरपाई नहीं करेंगे, सिलाई लगाएंगे, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर वाली सिलाई में जाएगा और 1 इंच यहाँ पे हम फोल्ड करने के बाद सिलाई के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं 39.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 39.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो चौड़ाई जो है इसकी 10 इंच है, ये देखिए। लेकिन क्योंकि ये एक कुर्ती है तो इसका हम सिर्फ 1 इंच ही यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे। अगर ये कमीज़ की कटिंग होती तो यहाँ पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेते, यानी 12 इंच पे इसकी 2 इंच एक्स्ट्रा लेके इसकी चौड़ाई रखते। तो यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच पे इसकी चौड़ाई लेंगे। अब सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरा जो है हमारा 14 इंच है, तो उसका आधा हम 7 इंच लेंगे। लेकिन अगर आपका जो गला है वो डीप है, गला गहराई में है, तो आप 7 इंच पे निशान लगाएं। लेकिन अगर आप कोई भी गला बंद गला बनाते हैं पीछे से, तो आप 7.5 या 7.25 इंच पे निशान लगाएं, क्योंकि इस गले को बनाने के बाद अगर हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे तो ये पीछे से खींचेगा, इसलिए हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 7.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पे मुड्डे का निशान लगाएंगे, जो कि 7.5 इंच पे ही हम लगाएंगे। मुड्डे का निशान लगाने के बाद अब हम छाती का निशान लगाएंगे। हमारी जो छाती है वो 36 इंच है, और 36 इंच का हम चौथाई भाग करेंगे तो वो आ जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक 7 इंच पे निशान लगाएंगे, जो कि कमर का निशान होगा। 7 इंच पे कमर का निशान लगाने के बाद अब हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारे हिप का निशान होगा। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, हमारी कमर जो है वो है 30 इंच। तो 30 इंच का चौथाई भाग हम ले लेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम हिप पे निशान लगाएंगे। तो हिप जो है हमारे वो 36 इंच हैं। तो 36 इंच का चौथाई भाग हम लेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हम इन तीनों निशानों को आपस में जोड़ देंगे। अब हम नीचे आएंगे और ये देखिए, यहाँ पे इसकी चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब हिप से लेके नीचे चौड़ाई के निशान तक हम यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेंगे। अब हम ये देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे मुड्डे के पास,
डेढ़ इंच का निशान लगाने के बाद यहाँ से हम यूं करके गोलाई देंगे। यहाँ पे गोलाई देने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हम अंदर की साइड में आधा इंच अंदर की साइड जाएंगे और यूं करने के बाद ये देखिए, यहाँ से यूं करके तिरछी लाइन खींच लेंगे और यहाँ से यूं गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ढाई इंच का निशान लगाएंगे जो कि हमारे गले का निशान होगा और यहाँ से हम आधा इंच नीचे की ओर निशान लगाएंगे और यहाँ से एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसका पीछे वाला हिस्सा अलग कर लेंगे और एक हिस्सा लेके उसकी आगे वाली हम कटाई करेंगे। ये देखिए, अब हम इसकी गोलाई करेंगे मुड्डे की, ये जो हमने निशान लगाया था। एक निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग करने के लिए ये देखिए, मैंने दो पीस लिए हैं कपड़े के और इसे मैंने यूं करके एक के ऊपर एक रख के अब ये मैं इसकी एक और फोल्ड करूँगी और ये हमारे चार फोल्ड हो गए हैं। ये देखिए, एक दो तीन चार, ये वाली खुली साइड है और यहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है। अब यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे जो कि हमारे मुड्डे का निशान था। अब यहाँ से हम नीचे आएंगे और 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद ये देखिए, ऊपर की साइड में जाके यहाँ पे हम यूं करके तिरछी लाइन खींच लेंगे। अब तिरछी लाइन खींचने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हम यूं करके रखेंगे और 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगाएंगे। 3 इंच ऊपर की ओर निशान लगाने के बाद अब हम ये देखिए, 1 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे ऊपर की साइड पे और यहाँ पे अब हम यूं करके गोलाई देंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बाजू की मोरी लेंगे तो जो मोरी है हमारी वो 5 इंच है तो यहाँ पे हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ से ये देखिए यूं करके तिरछी लाइन खींच लेंगे। अब हम इसे यूं करके खोल लेंगे। ये देखिए, ये जो है ये दो बाजू हैं, सीधी साइड से हमने सीधी साइड मिलाएंगे और इसे यूं सेट कर लेंगे। और देखिए, यहाँ से हम ये जो हमने ऊपर की साइड में हम 1 इंच ऊपर की साइड लेके गए थे, यहाँ पे अब हम यूं करके गोलाई देंगे और आगे की साइड की कटिंग करेंगे। यूं करके गोलाई देने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसका नोटिफिकेशन पा सकें। ये बिल्कुल फ्री। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।